बुलडोजर वाली यूपी की सरकार आखिर भ्रष्ट अधिकारियों पर कब चलाएगी बुलडोजर। प्रयागराज कुराओं के कानूनगों ने लाखों का किया भ्रष्टाचार। कुराओं के खजूरी खुर्द गांव में कई किसानों की जमीन को चकबंदी के दौरान गाटा नंबर इधर से उधर करके किया बड़ा घोटाला। गांव की 1.5 बिस्वा आबादी जमीन को 8 बिस्वा का बनाया चक। यूपी टेट का पेपर लीक हुआ तो बुलडोजर चलवा दिया मुख्यमंत्री जी ने। और अगर बात करें उसका निस्सहाय जिसका कोई सहारा ना हो, जिसके आगे पीछे दौड़ने वाला कोई, अगर इन्हीं के सरकारी कर्मचारी के द्वारा पूरी तरह से प्रताड़ित किया गया तो उस पर क्या करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। कानूनगो के द्वारा जनपद प्रयागराज के कुराओं तहसील के खजूरी खुर्द कला ग्राम सभा की बात करें तो चकबंदी के दौरान कानूनगो साहब भ्रष्टाचार दिखाते हुए जहाँ पर आबादी की जमीन थी वहाँ पर उन्होंने गाटा नंबर दिखा दिया, और जहाँ पर गाटा नंबर था वहाँ पर इन्होंने आबादी दिखा दिया। इतना तो ठीक ही था, लेकिन जिसकी जमीन रोड पर थे, जिसका परिवार आज से नहीं पिछले कई पीढ़ियों से निवास कर रहा है, उसका घर भी इन्होंने दूसरे के नाम पर रख दिया। पुराने खसरा खतौनी नक्शा के अनुसार सभी लोग अपने अपने स्थान पर, लेकिन नए नक्शे में खसरा खतौनी में सब परिवर्तित हो गया, जिसकी वजह से गाँव में आए दिन जो दबंग पड़ते हैं रहते हैं और एक दूसरे के सताते हैं। बात करें एक विश्वकर्मा परिवार की, उसका परिवार ससुराल में न रहकर उसकी पत्नी और बच्चे मायके में रहते हैं। जब तक उनका घर मिट्टी की दीवार से बना था तब तक उसमें निवास कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका घर पीछे से टूट गया तो दबंग लोग उस घर को दोबारा नहीं बनाने दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको कॉलोनी भी मिली हुई है, लेकिन दबंग लोग कानून भी मजाक बनाकर रख दिए और कानून भी नहीं बनाने दिए, उनका घर अभी तक नहीं बना। हम दबंग लोग को इसलिए पूरी तरह से दोष लगा सकते हैं क्योंकि कानून को के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से वो अपनी जगह सही है, क्योंकि वो पैसा दे करके लिखवा चुके हैं। उस जगह को आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता रहेगा प्रशासन? प्रयागराज से मंडल ब्यूरो चीफ हिमांशु तिवारी की खास रिपोर्ट। बना दिया है 8 बिस्से का चक, आप लोग देख सकते हैं ये 8 बिस्से का चक लग रहा है। कहीं भी दिशा आई है, इधर से यहाँ देखिए आप, इसको इतनी आबादी को घर जब गिरा उसके पहले कब्जा मोतीलाल का था, कब्जा मोतीलाल ने कब्जा किया था, मोतीलाल का घर नहीं बनने पा रहा है क्योंकि 10 रुपए के फर्जी स्टाम्प पेपर पर इस जमीन को बेचा गया है, 10 रुपए के फर्जी स्टाम्प पेपर पर। और बकायदा मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, एविडेंस दे रहा हूँ, सब साथ में भी दिखा रहा हूँ। देखिए इसका घर यहाँ बेचारे का गरीब है मोतीलाल का लड़का, इधर आइए, ये खेत अपना बेच चुका है, जमीन दो आदमी ने अपना हिस्सा बेच चुके हैं, सिर्फ मेरा ही बचा हुआ हिस्सा जयरामपुर सुरेश मार के नाम से। ये देखिए यहाँ पे कब्जा है, रिकॉर्डिंग आप अपना जमीन अपने अभी नहीं हमारा नहीं किया, चूंकि इन्होंने उठा करके 8 बिस्से का मोतीलाल की आबादी जो है दर्ज किया हुआ है, आबादी में चक बनाया हुआ है राम खिलावन ने, इस तरह से राम खिलावन ने फ्रॉड किया है। टोटल 400 भी राम खिलावन के खिलाफ IGRS में दायर किया हुआ है, अब उसके खिलाफ इंक्वायरी इलाहाबाद प्रयाग लखनऊ से टीम आनी चाहिए, तब जाँच होगी तब पूरा क्लियर होगा, जहाँ भी है सब क्लियर होगा। ये क्यों नहीं बनवाने पा रहे हैं आप मकान? कानूनगो साहब नंबर इधर का उधर कर दिए, हमारा बनाने नहीं दे रहे हैं, इतना माता जी के नाम से कॉलोनी आ रही है, कॉलोनी भी नहीं बन पा रहा, मेरा परिवार अपने मायके रहता है, घर रहने का नहीं है, यही माता जी का सेवा करके हम रह रहे हैं। आप क्यों नहीं बनवाने पा रहे हैं मकान? ये लोग नहीं बनवाने दे रहे हैं, मार काट पर दौड़ जाते हैं, मारने की दौड़ देते हैं। क्यों मारने के लिए दौड़ रहे हैं? कहते हैं नहीं बनाने देंगे, हम रजिस्ट्री कराएंगे पूरा। कौन मारने के लिए दौड़ता है? ये महेंद्र पायल सिंह उधर उनके सहयोगी प्रेमचंद जी। अच्छा, क्या बोलते हैं? कहते हैं नहीं बनाने देंगे, हम बैनामा करा लिए, हम खरीद लिए हैं। आप कितने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ से हम 70 साल से रह रहे हैं, हमारे पिताजी भी 2 साल से एक्सपायर हो गए, पूरा घर उजड़ बिजड़ गया, वो थे तो मरम्मत करते थे, अब वो नहीं है तो हम लोगों से कर नहीं हो नहीं पाता, जितना पीछे मेरा मकान वो गिरा हुआ था पूरा, ये लोग लकड़ी पड़ी सब धो ले गए, पत्थर उत्थर सब धो ले गए, बोलते हैं तो मारने मारने को दौड़ते हैं, पीछे से देख रहे हो छप्पर पर लगा के पूरा अवैध कब्जा करने के लिए सोच रहे हैं। उधर हमारा PM से हमको संडास रूम भी बना हुआ है, उधर हम लोगों को संडास के लिए रोकते हैं, कितना कितना हम लोगों का दंड करते हैं, लेकिन हम लोग किस तरह से यहाँ जी रहे हैं। ए भैया हम आ रहे के सरर नहीं पहने रहे, वो डर के घर से कहाँ रही, काहे बनवा प्रधान ने कॉलोनी नहीं दी थी क्या आपको? कॉलोनी दे है साहब, बनवा नहीं पावत है। क्यों नहीं बनवा पा रही है? अरे मैं भैया के आई, काहे क्या बोल रही है? कहती कि हम लिखा दे है सड़के से हुआ पर नाली तक। तो कब से इस मकान में आप रह रही हैं? हम
भैया हमारे 2-3 लड़का नहीं है मुकदमा बतावे कि आप आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या कानूनगो ने आपके साथ में किस प्रकार का हेरा फेरी की है? चकबंदी के दौरान, चकबंदी के पहले की हमारी रजिस्ट्री है रोड, चकबंदी मकान भी बना था। अच्छा, मकान आप ही का? हाँ, मकान हमारा है, 12 साल से बैंक को एग्रीमेंट किए हैं भाई। इस चकबंदी, अच्छा, ये 12 साल से आपने बैंक को दिया है? हाँ, 12 साल से किए मकान को। हाँ, मकान को किराए पर दिए हैं बैंक को। और इस चकबंदी के दौरान ये नंबर उठा के पीछे कर दिए, पीछे का आगे कर दिए, इसी का विवाद चल रहा है। अच्छा, आगे किसको पड़ा है जमीन? गोमती प्रसाद तिवारी, तिवारी का पड़ गया। हाँ, गोमती प्रसाद तिवारी का पहले कहाँ था? पीछे था। उनकी जगह पे आपको दे दिया गया है, आपकी जगह पे उनको दे दिया गया है। सर, ऐसा है ना, एक नंबर में 352 का चकबंदी में 697 कर दिए, उसमें कख कर दिए, हमें हम लोग को बैठा दिए, कम है उनका कर दिए आगे। अब तीनों की अलग अलग जमीनें हैं ना? हाँ, अलग। हाँ, तीनों लोगों के साथ ऐसी यही कर। हाँ, तो आपने शिकायत किया कहीं पर? हाँ, सी ओ के मुकदमा। अच्छा, ये सर जो है कि पहले नहीं चकबंदी बाहर करे हैं, जो खतौनी बनने लगना है ना, तब ये जो है कि खतौनी में चढ़ा दिए, और कागज पहले से चकबंदी बाहर बता रहा है। अच्छा, पहले के कागज में आपका है ये जमीन? हाँ, पहले है। और अब के आपके कागज में नहीं? हाँ, आपके कागज में उनका नाम कम होता है। चलिए, आप ही क्या, आपका ही है? हाँ, हमारा बेटवा सारा देश पूछ सकत है। अच्छा, हम तो कच्चा बना रहा, कच्चा से पक करके आग लगाई दो, हम जल गए, डर गए। गीता देवी ने आग लगा दी थी मकान में? जाना बेटवा, जल गया, चोरी भाई, चोरी भाई। अब हमारी बेटवा, आपका पुश्तैनी मकान है ये? हाँ, हमारी है। हाँ, निजी बाबा यही हम बचे सब दिन, उनका वह रहा जहाँ हुआ रहा कच्चा, तो ये हमारे सटाई के बनाई। तो आपके ये कौन है बेटवा? अच्छा, आपके लड़के हैं? हाँ, माँ लड़का एक कई है बाबा, ये 7 साल का रहे, तो भाई बाप बन गया, बम्बई से आए, जाकर दादा भी पा गए। इस बार चकबंदी के दौरान, नए चकबंदी में कानगो लेखपाल द्वारा बहुत गलत कार्य किया गया। जो आबादी की जमीन थी उसको चक बना दिया काट करके, जो चक मार्ग थे उसको उड़ा करके आबादी तक दर्ज कर दी गई, नाली को काट करके सीधे मतलब रोड बना दिया गया, और पास में जिसके मकान रोड पे थे उसको खेत में कर दिया गया, और खेत को रोड पे कर दिया गया। इस तरह से यहाँ पे चकबंदी में, इस चकबंदी के दौरान इतना भ्रष्टाचार हुआ, पैसे लेकर के कार्य गलत किए गए। मुझे खुद कहा गया, आप 50,000 रुपये दीजिए तो मैं आपका जो है आबादी को वो कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। मैं दिली रहता हूँ, मैं नहीं किया। उसके बाद इन्होंने हमारी जो आबादी को चकआउट चक बना दिया गया, जबकि आबादी पहले से दर्ज थी, पुरानी नक्शे में भी है और पेपर में भी है, 2A में भी है। मैं ACO कंप्लेंट किया, ACO नहीं है और जांच नहीं किया, और लेकिन इन्होंने उठा करके गलत रिपोर्ट दर्ज कर दी आगे कि भाई हमने कर लिया करके। पूरे गांव की इंक्वायरी किया जाए तो बहुत भ्रष्टाचार मिलेगा, और यहां से आगे तक चले जाइए आप, जिसका उठा करके मेरे साथ हुआ ही हुआ है, 4-5 लोग आगे हैं जिनका इन्होंने रोड पे मकान हुआ है, बैंक है, और उसको उठा करके खेत में कर दिया गया, और खेत को ले आकर यहाँ सिर्फ पैसे के कारण, पैसे के भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हुआ है, करोड़ों रुपए का यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, करोड़ों रुपए का। इसने किया, ये सब कानगो लेखपाल की है, और इनकी अगर जाँच की जाए सब समस्या का हल हो जाएगा, क्योंकि पहले नक्शा में क्या था, नए नक्शे में क्या कर दिए गए, सिर्फ पैसे के बदौलत पैसे खा करके सब किया गया। शिकायत आप कहाँ तक? मैं पुलिस कंप्लेन में किया हूँ, और आपके चकबंदी अधिकारी को किया हूँ, चकबंदी अधिकारी इलाहाबाद, क्या नाम है, लखनऊ से मतलब किया था, और कोराव के ASO ने फ़ोन किया था, उनका नंबर मैं ऑलरेडी दर्ज करवा दिया हूँ कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने बिना बात किए हुए, बिना इंक्वायरी किए हुए और सीधे रिपोर्ट लगा के दे दी। आपका परिचय? सुरेश कुमार पांडे, खजूरी खुर्द का मैं रहने वाला हूँ। ये मेरा जन्म सिद्ध मतलब मकान है, मैं यहीं शुरू से रह रहा हूँ।